हेलो, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, आपका जो पेपर बायोकेमिस्ट्री है बेटा, उसमें मैं और मनीषा मैम आपको पढ़ाएंगे और हम लोग दो दो यूनिट शेयर करेंगे। इस पेपर में आपको कुछ जानना है कि केमिस्ट्री बायोलॉजिकल सिस्टम में कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या रोल प्ले करती है और क्या है क्या चीज़। अब जैसे हम लोग आपकी क्लास में आते तो आपको शुरू करते इंट्रोडक्शन से कि भाई बायोकेमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए बायोकेमिस्ट्री यह सब कोर्स दो वर्ड अपने आप में इंक्लूड किया हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री। मींस केमिस्ट्री बायोलॉजिकल सिस्टम में आपको देखना है बायोलॉजिकल सिस्टम की केमिस्ट्री क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप केमिस्ट्री में देखते हैं वाटर को, तो वाटर आपका बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बायोलॉजिकल सिस्टम में कहीं एग्जिस्ट करता है, कहाँ करता है, किस फॉर्म में करता है, क्या रोल प्ले करता है, आपको इस पेपर में देखना है। इस पेपर के लिए जो हम लोग बुक सजेस्ट करते हैं, जेल जैन की है, श्रीवास्तव की है, आप कोई भी बुक लीजिए, अपने हिसाब से देखिए, पढ़िए, समझिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग को आप इन्फॉर्म करिए, हम लोग जो हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली आपका जो पहला यूनिट है वो एंजाइम है, फिर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, और जो लास्ट है आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म और लिपिड और बायोफर्टिलाइज़र जो आपके लास्ट 3 यूनिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम लोग फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो हो सकेगा आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, हम लोग आपको बताएंगे, जो हो सकेगा हम लोग करेंगे। तो केमिस्ट्री को हमको देखना है बायोलॉजिकल सिस्टम में। आपको सभी को पता है, जितने केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं शुरू से जान रहे हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि हमको बनाते हैं, चाहे हम हों, चाहे पौधे हों, चाहे जानवर हों, और डिफरेंट फॉर्म में हमारी बॉडी में वो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट देखिए तो वो भी किस चीज़ का बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे लिपिड का भी एलिमेंटल अगर कॉम्पोजिशन आप देखें तो वो भी बना है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक तरफ वो कार्बोहाइड्रेट है, दूसरी तरफ लिपिड है, तो क्या चीज़ है जो एक तरफ उसको कार्बोहाइड्रेट बना रहा है और एक तरफ लिपिड बना रहा है, और कितने फॉर्म्स में ये बायोमोलिक्यूल्स आपके नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे फ्रीली चाहे बॉडी में डिफरेंट फॉर्म में। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट देखें और एंजाइम देखें और उसके बाद लिपिड देखें और फिर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म देखें, तो इन्हीं एलिमेंट्स को, उनके कॉम्पोजिशन को, उनके 3D स्ट्रक्चर को हमको देखना है, और वो रोल्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको हमको देखना है। लिपिड की अगर हम बात करें तो लिपिड क्या है, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, एक अच्छा सा बटर क्यूब जो हम लोग सुबह अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे लेते हैं, टेबल पे ब्रेकफास्ट में लेते हैं, पराठे के ऊपर पिघलता हुआ एक बटर क्यूब, या फिर मस्टर्ड ऑयल, या फिर कोकोनट ऑयल, या सॉलिड घी जिससे हम लोग अपने किचन में कुकिंग करते हैं, या वैक्सेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, या हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो लिपिड कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो लिपिड बॉडी में बायोकेमिकली कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसको देखने के लिए हम जो बेसिक यूनिट है सेल बॉडी की, यानी सेल को देखेंगे। तो सेल में आपका लिपिड कहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, तो लिपिड, आप अगर मेम्ब्रेन देखिए तो मेम्ब्रेन बेसिकली बनी होती है किस चीज़ की, आपकी मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन। डिफरेंट मॉडल्स प्रपोज्ड हैं, उसमें आप देखते हैं कि भाई लिपिड और प्रोटीन आपका कैसे ऑर्गेनाइज है, और इसके अलावा और क्या चीज़ है जो कि मेम्ब्रेन को एक कलेक्टिवली 3D फॉर्म दे रहा है,
और उसको पेरिफेरल बाउंड्री के रूप में एडजस्ट किया हुआ है सेल के बाहर, प्रोटोप्लाज्म के बाहर। ये चीज़ आपको वहाँ पे देखना है। तो वन ऑफ द मेजर इंटीग्रल पार्ट वो प्ले कर रहा है मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, और डिफरेंट फंक्शंस इसके लिपिड के वहीं से शुरू हो जाते हैं, मेम्ब्रेन के फॉर्म को देने के लिए, मेम्ब्रेन के रोल को प्ले करने के लिए। तो वहाँ पे हमने देखा। इसके अलावा प्लांट में आप देखिए कहाँ पे पाया जाता है इस मेम्ब्रेन के अलावा, और बॉडी में हमारे कहाँ पाया जाता है, तो हार्मोन्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको ये लिपिड देखने को मिल जाएगा। और एडिपोज टिश्यूज़ में इनका स्टोरेज होता है लिपिड का, और कहते हैं कि भाई तुम जितना लिपिड खाओगे, चाहे फैट के रूप में चाहे बटर के रूप में, जो अल्टीमेट रिचेस्ट सोर्स है एनर्जी का, वो आपका स्टोर होएगा एडिपोज टिश्यू में और वो आपको दिखाई देगा फैटी बॉडी मास के रूप में। तो उसी लिपिड को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने किया आज, हम थोड़ा सा इंटरेक्ट हुए लिपिड के रिगार्डिंग, कि लिपिड भाई नेचर में हमको ऐसी ऐसी जगह इतने इतने फॉर्म्स में देखने को मिलता है, और उस लिपिड को हमको देखना है बायो केमिस्ट्री के पेपर में कि लिपिड है क्या चीज़, किन एलिमेंट्स का बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका नेचर क्या है। और बायो केमिस्ट्री के पेपर में लिपिड एज वन ऑफ द बायो मॉलिक्यूल अपने इन नेचर इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के साथ क्या क्या रोल परफॉर्म करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिपिड।